अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिल्क कलेक्शन। आज आपके लिए लाए हैं वॉल पेंटिंग से रिलेटेड एक और अमेजिंग वीडियो, जिसमें हम आपके साथ स्कूल वॉल पेंटिंग के आइडिया शेयर करेंगे कि आप किस तरह अपने स्कूल की दीवारों को खूबसूरत बना सकते हैं, किस तरह उन पर डिफरेंट तरह की पेंटिंग्स बना सकते हैं, किस तरह इन दीवारों में एक नई जान आप लेके आ सकते हैं। तो आज आपके साथ प्री स्कूल्स की डेकोरेशंस के आइडिया शेयर करें कि आप किस तरह अपने प्री स्कूल्स को और कलरफुल बना सकते हैं, उनकी जो दीवारें हैं उन्हें किस तरह और खूबसूरत बना सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही सिंपल प्री क्लासरूम डेकोरेशन के आइडियाज़ आपके साथ लेकर आए हैं कि आप किस तरह अपने प्री स्कूल्स को डेकोर कर सकते हैं, किस तरह अपने स्कूल की जो दीवारें हैं उन पर आप पेंटिंग बना सकते हैं। क्योंकि मोस्टली जो प्री स्कूल्स होते हैं उनकी दीवारें बड़ी कलरफुल सी बनाई जाती हैं, क्योंकि बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए इसीलिए उनकी दीवारों को कलरफुल सा बनाया जाता है। सो आज आपके साथ प्री स्कूल्स के लिए वॉल डेकोरेशन के आइडिया शेयर किए जा रहे हैं कि आपने किस तरह अपने स्कूल की दीवारों को खूबसूरत बनाना है, उन पर डिफरेंट तरह के आर्ट प्रेजेंट करने हैं। स्टूडेंट की स्टडी से रिलेटेड भी आप आर्ट बना सकते हैं, कोई उनके फेवरेट करेक्टर्स के बारे में बना सकते हैं, कोई सी का कोई थीम दे सकते हैं आप, या कोई भी एक ट्री बना सकते हैं, या कोई भी पेंसिल्स का आर्ट बना सकते हैं, कोई भी आपको आर्ट जो कि खूबसूरत लगे आपकी दीवारों को और खूबसूरत बनाए। इस तरह स्टूडेंट्स के हाथ लगाने से भी वो दीवारें ख़राब नहीं होंगी और स्कूल्स को थोड़ा सा कलरफुल भी लगेगा। हर क्लासरूम में एक एक वॉल पर ही पेंटिंग होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह क्लासरूम में एक अलग ही खूबसूरत लगती है। क्योंकि बड़ी क्लासेस में हमेशा चार्ट लगाए जाते हैं, मगर जो प्री क्लासेस होती हैं उनकी दीवारें हमेशा पेंट की जाती हैं उन्हें खूबसूरत बनाने के लिए। आप ट्राई करें कि अपने स्कूल में और अपने क्लासरूम्स में इस तरह के आइडियाज़ बनाएं कि स्टूडेंट्स के लिए अट्रैक्टिव भी लगें। कोई जंगल का थीम बना लें, कोई स्टूडेंट्स के लिए उनके फेवरेट करेक्टर टॉम एंड जेरी का बना लें, या उनके लिए कोई भी एक सी थीम बना लें, क्योंकि इस तरह के आइडियाज़ हमेशा ही अट्रैक्टिव लगते हैं, हमेशा ही खूबसूरत लगते हैं। और प्री क्लासरूम की जो दीवारें होती हैं, प्री स्कूल की जो दीवारें होती हैं, वो ख़राब भी नहीं होती स्टूडेंट्स के हाथ लगाने से। आप उनका कॉरिडोर एरिया है, जो स्टेयर एरिया है, या जो उनका प्लेग्राउंड एरिया है, आप उन पर डिफरेंट तरह की आर्ट बनवा सकते हैं, डिफरेंट तरह की पेंटिंग्स बनवा सकते हैं। आजकल मार्केट में तमाम तरह के पेंटिंग्स एक से बढ़कर एक पेंटर्स अवेलेबल हैं। आप उन्हें किसी तरह का भी थीम दें तो वो आपको आपके स्कूल्स की वॉल्स को बहुत खूबसूरत बना कर देंगे। सो ट्राई करें कि अपने स्कूल्स की वॉल को खूबसूरत बनाएं, उन्हें थोड़ा सा कलरफुल सा बनाएं, डम नहीं होना चाहिए। प्री स्कूल थोड़ा सा हमेशा कलरफुल सा होना चाहिए, दीवारें कभी ख़राब नहीं होती अगर इन पर बारिश और ऐसे अगर असर आता हो, वरना ये दीवारें हमेशा ठीक रहती हैं, नहीं तो आपको पेंट बार बार करवाना पड़ता है और स्कूल इतना खूबसूरत भी नहीं लगता। वॉल डेकोरेशन है वो भी थोड़ी सी होनी चाहिए, स्कूल्स का जो हैंगिंग एरिया है उनमें भी आना चाहिए, जो सी साइड है वो भी आप बना सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए। उनके जो डोर डेकोरेशन, ट्राई करेंगे डोर को तो हम खुद फ्लावर्स डेकोरेशन से बना सकते हैं, मगर जो वॉल्स हैं उन पर आप पेंटिंग्स ज़रूर लगवाएं, पेंटिंग्स बनवाएं तो ये अलग ही खूबसूरती देती हैं। स्टूडेंट्स की स्टडी से रिलेटेड आ सकती हैं, आप कैटरपिलर बनवा सकते हैं, ट्रेन बना सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए, ट्री बना सकते हैं, और रुवे ताजी के लिए आप बना सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए शेप्स बनवा सकते हैं, ट्रायंगल रेक्टेंगल की शेप्स बनवा सकते हैं। आप फोर सीजन्स का जो थीम है वो बनवा सकते हैं, उनके फेवरेट करेक्टर पांडा के भी मतलब आप कोई उसकी पिक्चर लगा सकते हैं, टॉम एंड जेरी की लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और इंटरेस्टिंग आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं कि आपने किस तरह अपने स्कूल्स की वॉल्स को डेकोर करना है, किस तरह स्टूडेंट्स का जो ग्राउंड एरिया है और जो कॉरिडोर एरिया है उन्हें आपने किस तरह खूबसूरत बनाना है, ताकि स्टूडेंट्स में स्पोर्ट्स के लिए जो उनका ग्राउंड्स हैं वो भी खूबसूरत लगे, उनके लिए जो उनका कंप्यूटर रूम है उसमें भी आप डिफरेंट तरह की वॉल तैयार करवा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत डोर डेकोरेशंस के क्लोज आइडियाज़ आपको दिखा रहे हैं कि आपने किस तरह डोर डेकोरेशंस की जो बाउंड्रिंग है उस पर आपने बनाना है, और किस तरह आपने अपनी क्लासरूम की जो एंट्रेंस है उसको डेकोर करवाना है, स्कूल के जो कॉरिडोर एरिया, प्रिंसिपल क्लासरूम प्रिंसिपल ऑफिस का जो है उसके पास अगर आप बनवाना चाह रहे हैं तो आप किस तरह खूबसूरत उसे भी बना सकते हैं। इंशाल्लाह इस तरह के और डिफरेंट वीडियोस के साथ ही हाजिर होंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।